4.5 सालों में मसीह का इनकार करके कहीं चले गए। हेलो, कहां गए? कहां? मसीह का चले गए, जिसमें से 30% ऐसे थे जिनको जदोकोप किया गया और 70% ऐसे थे जिन्होंने दिल लगी की। जी, 30% ऐसे जिनको जदोकोप किया गया और 70% जिन्होंने दिल लगाया, घर से भगाया, किसी और जगह पर पहुंचाया, मां बाप को रुलाया और अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। हमने बरगश्ता बच्चों की वापसी के लिए मिशन 5000 का आगाज किया। किनके लिए? किनके लिए? जो बरगश्ता हो गए हैं, खुदावंद का इनकार करके चल दिए हैं, जिनको ना चर्च कबूल करता है ना हमारी कम्युनिटी कबूल करती है, और जिस जगह पर गए थे दो बच्चों के बाद वो भी कबूल नहीं करते, हम उनको वापस लाना चाहते हैं ताकि वो अपने घर में मुसरफ बेटे की तरह वापस आए। और मिशन 5000 उसका आगाज है, और इन वो 5 सालों में गए हैं, हम 2 सालों में वापस लाएंगे। कितने सालों में? कितने सालों में गए हैं? वापस कितने सालों में आएंगे? 2 सालों। और उसके लिए हमें अपना इंफरादी और इज्तमाई किरदार अदा करना होगा, और इसलिए हमने इसका नाम, इस मूवमेंट का नाम मिशन 5000 रखा। और आगे आ जाता है, हर घर से क्या? जी, इंतजामिया अगर मेरी बात सुन रही है तो बीच में बेशुमार चेयर्स खाली हैं, जो बेटियां इधर बैठी हैं उनको उधर बैठाएं और जो छोटे बच्चे हैं उनको आगे ले आए जल्दी से, और कोई पानी के लिए ना उठे, इंतजामिया उनको पानी की बोतल उनकी सीट पर पहुंचा दे मेहरबानी करके। जल्दी से हम आगे बढ़ने को, हर घर से जी मोहब्बत किसे है? हर घर से मोहब्बत। और जब हर घर से मोहब्बत आती है तो पड़ोसी की बारी आती है, और पड़ोसी कौन है? अक्सर मजहबी लोग पड़ोसी के तल्लुक से कंफ्यूज होते हैं या सही बताना नहीं चाहते। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक फरीसी जाता है, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करे, वो देखता है कि पहले मैं जब मार्केट में निकला था लोग मुझे सलाम कर रहे थे, और जो ही खुदावंद यीशु मसीह उधर से आए हैं तो लोग मुझे छोड़कर उसकी तरफ चल दिए। उसके दिल में कुछ हुआ, जालसी हुई, हसद हुआ, उसने खुदावंद यीशु मसीह को मुआशरे के सामने नीचा दिखाने के लिए सवाल किया, खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का? सवाल अच्छा है, नीयत अच्छी नहीं। क्या है? बस दफा हमारे सवाल बड़े अच्छे होते हैं, नीयत फंसाने वाली होती। हम बस दफा बातों में फंसाते हैं, सवालों में फंसाते हैं, सवाल अच्छा है, नीयत अच्छी नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बताया कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, जान, अकल, ताकत से मोहब्बत रख। मजहबी कभी हार नहीं मानता, मजहबी कभी मानता। फिर और सवाल किया, और अपने पड़ोसी से अपनी मानत, किसकी मानत? उसने हार नहीं मानी, और खुदा यीशु मसीह से कहा कि बता मेरा पड़ोसी कौन? क्या कहा? पड़ोसी कौन? और पड़ोसी के तलक से अभी हम एक बात सीखते हैं, वो ये है कि आप अपने पड़ोसी को देखें, किसको? और पड़ोसी को देखने से पहले आपने किसको देखना है? किसको देखना है? और सबसे पहले आपने यीशु को देखना है, और किस नजर से देखना है और किस नजरिया से देखना है। बस दफा नजर अच्छी होती है, नजरिया अच्छा नहीं होता।
और बाज दफा नजरिया अच्छा होता है, नजर सही नहीं होती। आपने किस नजर से देखना और किसको देखना जी, और फिर आपने अपने पड़ोसियों को देखना है, क्या देखना है। और जो लड़के होते हैं वो पड़ोसियों को गौर से देखते हैं, इनके घर में कितनी लड़कियां हैं, कितने बजे जाती हैं, कहां कहां जाती हैं, क्या क्या करती हैं, कितने बजे वापस आती हैं, वो सब लड़कों को मालूम है और लड़के के मां बाप को मालूम नहीं। सबसे पहले किसको देखना है, फिर किसको देखना है, पड़ोसी को देखना है कि वो कहां का है, किस इलाका से तल्लक रखता है। देखने के लिए आपको एक चीज देखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि इसकी जरूरत क्या है। हम अक्सर पड़ोसियों की मजबूरी देखते हैं, खुदावन यीशु मसीह उनकी जरूरत देखता है। आपने यीशु को देखना है और फिर आपने अपने पड़ोसियों को देखना, और फिर आपने यीशु को अपने पड़ोसियों के मतलब बताना। किसके मतलब? सात वाली घर वालों को नहीं बता, हमारे पड़ोसी आए, उनके पास बड़ी घड़ियां, उनके पास ये, उनकी लड़कियां फैशन करती हैं। पहले किसको देखना? यीशु को। फिर बताना किसको है, क्या बताना है? खुदावन हमारे पड़ोस में ये लोग आए हैं, इतने काबिल हैं, इतने काबिले इज्जत हैं, इतने काबिले तारीफ हैं। ऐ खुदा मैं अपने पड़ोसियों के लिए तुझसे बरकत चाहती हूँ, ऐ खुदा मैं अपने पड़ोसियों के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ। और फिर आपने लास्ट पर अपने पड़ोसियों को यीशु के बारे में बताना है, क्या करना है, तारफ करवाना है कि आप कौन हैं और आप जिस पर ईमान रखते हैं वो कौन है। और ये सर्कल है, आपने देखते रहना है और जी देखते रहना और पटाते रहना नहीं, क्या देखते रहना और बताते रहना। आगे चलते हैं, खुदा परस्ती क्या जी, क्या है? मुझ से जो पहली नस्ल थी या मुझ से जो बुजुर्ग लोग थे वो खुदा परस्त थे, और अक्सर लोग उन्हें ग्लेडू भी कहते थे, ग्लेडू मिशन वाले। वो रोते बहुत, उन्हें एक गम लगा हुआ था, वो गम था खुदा परस्ती का गम। किसका? नस्ल परस्ती का नहीं, कौन सा? वो रोते थे, वो चीखते थे, वो चलाते थे, वो आंसू बहाते थे, वो दुआ मांगते थे, और उनकी दुआ में असर भी था और खुदा उनकी सुनता भी था, क्योंकि उन्हें खुदा परस्ती का गम था। और खुदा परस्ती का गम तोबा की तरफ लेकर जाता है। किसकी तरफ? तोबा तब्दीली की तरफ ले जाती है। मुझसे पहली नस्ल को खुदा परस्ती का गम था और उस गम में वो तोबा की मनादी करते थे। पायानू और काम में कोई नहीं, मिशनरीज को काम में कोई नहीं। क्या मनादी होती थी? मुझसे पहले वाले क्या थे? मेरे समेत मुझ जैसे आगे मौका परस्ती वाले। क्या करने वाले? मौका मिला खिदमत में आ गए, मौका मिला इधर से आ गए। मौका परस्त को आप ना भी बुलाओ, उसने फोटो में इधर इधर से घुस जाना। मौका परस्ती की महारत आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? मुझसे पहले वाले खुदा परस्त और मैं मौका परस्त। खुदा ने मुझे मौका दिया और मैंने महारत हासिल की कि मुझे हर जगह पर घुसना कैसे है, ताकि मैं हर शख्स तक रसाई हासिल कर सकूं। मुझसे पहले वाले खुदा परस्त, मैं खुदा परस्ती का काम तौबा की तरफ और मौका परस्ती की महारत हर जगह पर घुसने की तरफ। और ये जो नई नस्ल है,
13 साल से 25 साल के दरमियान कितने हैं, हाथ खड़ा करें। 13 से 25 के दरमियान, 30 के दरमियान, बाकी भी हाथ खड़ा रखें। 13 से 30 के दरमियान, वाह। और यह मुफाद प्रस्त नस्ल है। क्या है? मुझसे पहले वाले खुदा प्रस्त और मैं, और ये जो बैठे हैं ये मुफाद में। डैडा जी सलाम, पापा जी सलाम, अम्मा जी सलाम। आप अच्छे लग रहे, मामा जी बड़े क्यूट लग रहे हैं। बेटे मां को पटाते हैं, बेटियां बाप को पटाती हैं। मेरी भी 3 बेटी, 1 बीवी है, 3 बेटियां। कितनी? 1 बीवी है। और मुझे समझ आ जाती है कि आज मेरा हाल चाल पूछने आ गए हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोहब्बत हो रही है और कुछ ना कुछ काम है। मुफाद, जब काम हो तो फिर ऐसी ऐसी बुझारते वाली बातें करेंगे, सीधी कोई नहीं करता। यह नस्ल बुझारते बूझती है, सीधी बात नहीं करती, ये पटाने की कोशिश करती है, ये मां बाप से कुछ निकलवाने की कोशिश करती है। स्कूल वाले इजाजत लेते हैं कि हमें कहीं घूमने जाना है, इजाजत दे जो। कॉलेज वाले पैसे मांगते हैं कि हमें किसी जगह पर खाना खाने जाना है, उधर दे दो। यूनिवर्सिटी वाले अलग तरह से पटाते हैं। खुदा प्रस, मौका प्रस, और कितनी नस्लें हो गई। ये नस्ली गैप को कौन फिल करेगा? मेरा दादा तैमत बांधता था, धोती, बाप मेरा सलवार कमीज पहनता था, मैं पैंट पहनता हूं। बाप घर में घुसता था ऐसे करता, सारे अलर्ट हो जाते थे। और आज बाप आवाजें देता रहता, पानी दे दो, हम बाप की आवाज पे उठ जाते थे। और आज बच्चे को जाके प्यार करके गुड मॉर्निंग बाप बोल रहा होता, कोई बड़ी बात नहीं। अभी हमने एक काम करना है, हमने इस मुफाद प्रस कौम को एक मौका फराहम करना है ताकि ये खुदा प्रस्ती की तरफ आ जाएं और खुदा के जलाल में शामिल हो जाएं। मौका फराहम करें, इससे पहले कि ये मुफाद प्रस्त धोखा खाएं, हम इनको मौका फराहम करें, दोस्त बनाएं। क्या करें? हम मौका नहीं फराहम करते। ये 3 चीजें लिखी हुई हैं, क्या है? अजीज भाई, अजीजों की खबरगिरी किया करें। क्या किया करें? किसकी? अजीजों के साथ फोन पे घर के हाल नहीं बताने, ना दिल की बात करनी। अजीजों की क्या करनी है? यीशु लाजर को अजीज रखता था, दोस्त नहीं रखता था। क्या रखता था? यीशु को लाजर अजीज था और अजीज रखता था। जब भी कभी उस इलाके में जाता तो खुदा यीशु मसीह उनके घर चले जाता, अजीज था। खबर पहुंचाई गई, हे खुदावन, जिसे तू अजीज रखता है वो क्या है? तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? शागिर्दों को वो सो गया जगाने जाते। आपने अजीजों को घर की बात नहीं बतानी, दिल की बात नहीं बतानी, अजीजों की खबरगिरी करनी है, उनसे खरियत दरियाफ्त करनी है, उनको घर की सारी रिपोर्टिंग नहीं देनी। आज होता क्या? अजीजों को हम हर बात बताते हैं और अजीज शरीका की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जी अजीज को आपने इज्जत देनी है, खबरगिरी करके, फोन करके, हाल अहवाल पूछ के, और दोस्त के साथ आपने दिल की बात करनी। क्या जी? किससे? दोस्त से दिल की बात करनी। अब्राहम क्या था? खुदा का दोस्त और शागिर्द मसीह के दोस्त। इससे पहले कि खुदा सदूम और अमूरा को बर्बाद करता, वो अपने दोस्त के साथ दिल की बात करता। इससे पहले कि मसीह
यरूशलेम में जाए, पकड़वाया जाए, मसलूब किया जाए, उससे पहले दिल की बात करता। अब्राहम से दिल की बात की तो अब्राहम शफायत पर आ गया, क्योंकि उसका भतीजा वहां पर था। और जब शागिर्दों से दिल की बात की तो उनका दिल घबराना शुरू हो गया, मरा क्या बनेगा, मैंने जाल छोड़ा, मैंने कश्ती छोड़ी, मैंने चौकी छोड़ी, मैंने माल छोड़ा, मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, और जिसके लिए छोड़ा वो जाने की बात कर रहा है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारा दिल मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दूंगा नहीं, दिए। अजीजों की खबरगिरी करनी है, अजीजों से दिल की बात नहीं करनी, अंडरस्टैंड, नसीहत आ गई। अजीजों के क्या करनी है, हाल वाल लेना है, दिल की बात, दिल की बात दोस्त से करनी है। किससे? दोस्त। हम दोस्त के साथ दिल की बात करें, क्योंकि खुदा दोस्ती को पसंद करता है, और खिदमत के अंदर सबसे अच्छा दोस्त रूहुल कुद्स और खुदावन्द यीशु मसीह। खिदमत में सबसे अच्छा दोस्त, और घर के अंदर सबसे अच्छी सहेली माँ, और सबसे अच्छा दोस्त बाप। जो माँ बाप से बढ़कर दोस्त प्यार करे, जो वो दोस्त नहीं, वो यार नहीं, वो यारमार है। क्या है? वो शिकार कर रहा। जो दोस्ती में आपको आपके मां बाप के खिलाफ ले जाए, उस दोस्ती को छोड़ दे। तीसरी चीज है, क्या है? हमने किस जैसे, कितने एक जैसी शर्ट पहनी है? हम तीनों भाई हैं। क्या है? और अक्सर कलाम को पढ़ते हैं, कहते हैं भाई मुसीबत के दिन के लिए। किसके लिए है? होगा, लेकिन मेरे भाई और मैं मुसीबत के दिन के लिए नहीं। अब बोलेंगे ये क्या बात कर रहा है। खुदा यीशु मसीह का भाई यूहन्ना पीछे पीछे था। क्या था? जो अजीज थे वो मसलूबियत के वक्त करीब नहीं आए, जो दोस्त थे वो भाग गए, भाई पीछे पीछे रहा, क्योंकि भाई को जिम्मेदारी दी जाती है। भाई किसके लिए होता है? किसके लिए? हम अपने भाई को जिम्मेदारी नहीं देते, क्योंकि आज का भाई भाई नहीं रहा, कसाई हो गया। तो जेन में रखें कि भाई को जिम्मेदारी दी जाती है, दोस्त से दिल की बात की जाती है, और अजीज की खबरगिरी की जाती है। यकूब का बेटा यूसुफ, कौन जी? कितने लोगों को ख्वाब आते हैं, और कितने लोगों को ख्वाब आने के बाद नींद नहीं आती। ख्वाब वो नहीं जो रोज आए, ख्वाब वो जो नींद को चुरा के ले जाए। जो रोज आए तो वो अकली इख्तरा है, और जो ख्वाब में आए और आपको दीदार दे और वो आपकी नींद को चुरा के ले जाए, वो आपके ख्वाब को पूरा करने की भी कुदरत रखता है। ख्वाब हम देखते हैं, पूरा खुदा करता है। कौन करता है? खुदा। ख्वाब यूसुफ ने देखा, पूरा खुदा ने किया। ख्वाब मैंने देखा आज से 27 साल पहले, कि इस मुल्क के तूलो अर्ज में, जहां पर मेरे बुजुर्ग नहीं जा सके, जहां पर मकसीन नहीं जा सके, मैं हर उस जगह पर खुदा के कलाम को लेके जाऊं। और 2019 में खुदा ने उस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाया, और इस मुल्क के तूलो अर्ज में हर जगह पर हमने इंजील के पैगाम को हर घर तक पहुँचाया। उसके बाद मैंने कहा खुदा ले जा, बस इसके बाद गलतियां होंगी, मैं फख्र करूंगा, बड़के मारूंगा,
मैं नलायक हरकतें करूंगा, तो आपने मुझे यहां तक ख्वाब दिखाया था, आगे मेरे पास कोई प्लान नहीं। खुदा ने 20 दिन हो गए मैं रोज तैयारी करके बैठता, खुदा नहीं लेके गया, कमरे से बाहर नहीं निकलता था। नसीहत भी कर दी, वसीयत भी कर दी। नसीहत बच्चों को की और वसीयत मिनिस्ट्री पार्टनर को की। लोग वसीयत करते हैं बच्चों को और नसीहत करते हैं शागिर्दों को, मैंने उल्टा काम किया। क्या किया? उल्टा काम किया। खुदा ने लेके गया। खुदा ने फिर अपने पाक रूह के जरिए से और अपने खुदाम के जरिए से और रोया के जरिए से फिर मुझे बताया, ख्वाब तेरा था, पूरा मैंने किया, अभी रोया मेरा है, पूरा तू करेगा। मुझे दोबारा से उसने कुवत दी, ताकत दी, विजम दिया और मैं दोबारा से मुतहर्रक हो गया कि मैं अगले चंद सालों के अंदर इस पूरी मिनिस्ट्री के सारे सेटअप को बढ़ाऊं भी और डिलीवर भी करूं। यह ख्वाब की ताबीर के लिए यह क्या है? क्या है? काबिले एतमाद है और दयानतदार है। अपने ख्वाब को वक्त से पहले ना अपने भाइयों से ना अपने मां बाप से शेयर करें। अगर आप वक्त से पहले अपने ख्वाबों को बयान करना शुरू करेंगे तो आपके भाई आपके दुश्मन हो जाएंगे और मां बाप की नगाह में आप एक मस्का खेस। यूसुफ ने ख्वाब देखा, भाइयों ने उस ख्वाब को मजाक में लिया और उसको मारने के लिए बेताब हो गए। किसके लिए? ये 17 साल की उम्र में बेटे से गुलाम बना और गुलाम बन के मिस्र में पहुंचाया गया। फोतीफार ने उसको खरीदा, फोतीफार की औलाद नहीं थी, उसके घर में पहुंचाया गया और वहां से ये 10 सालों में गुलाम से फोतीफार के बेटे के तौर पर नुमाया हुआ। फोतीफार ने अपनी बीवी के अलावा सारी चीजों का इंतजाम इसके हाथ में कर दिया क्योंकि ये काबले इतमाद और क्या था? दीनदारी, ईमानदारी। ईमानदारी करनी है तो खुदा के हजूर में करें, दयानतदारी करनी है तो मुआशरे में करें। किसमें? मुआशरे में हम कहते हैं बड़े ईमानदार हैं और खुदा के सामने कहते हम बड़े ही दयानतदार हैं। दुनिया में दयानतदारी का पता चलता है, खुदा के हजूर में ईमानदारी का पता चलता है। उसने आप पर भरोसा किया है और आप ईमानदार हैं तो आपको मुख्तारी दी है। क्या दी है? और मुआशरे में आप काबिले एतमाद इसलिए हैं क्योंकि आप दयानतदार क्या हैं? और वहां पर फोतीफार की बीवी इसको वरगलाती है। क्या करती है? इसको भटकाती है। और आज अगर किसी को बुरे ख्याल आए, किसी के जेहन में वीडियो वाली वो मच्छैया वाली आ जाए तो क्या करेंगे? ये खुदा से डरता है। किसे? जो खुदा से डरते हैं वो खुदा की नाराजगी से डरते हैं। किससे? खुदा नाराज ना हो जाए। दुनिया को पटाना हो 2 मिनट लगते हैं और खुदा को पटाया नहीं जाता। जिस तरीके से बच्चे मां बाप को मना लेते हैं, बाप को इस तरीके से मनाया नहीं जाता। इसने वहां पर कोई भी नहीं देख रहा था, खुदा देख रहा था, दयानतदार था, काबिले एतमाद था और इसने वहां पर खुदा के खौफ को अंदर रखा। किसको? खुदा का खौफ, हिकमत और दनाई का। और ये वहां से भागा। हम गुनाह को देखकर लज्जत महसूस करते हैं। मेरा एक साथी है, हम थाईलैंड में गए
तो वहां पर हमें बताया गया कि इस बाजार में नहीं जाना, कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मैं जाके सो गया। सुबह मॉर्निंग डिवोशन में उस शख्स को मेरे साथ नहीं बैठने दिया गया। मुझे इंचार्ज ने बताया कि यह रात ऐसी जगह पर गया है और इसका सबूत हमारे पास है और हमने वार्निंग दी थी, यह सुबह दुआ में हमारे साथ नहीं बैठेगा। वो कहता जी मैं कहीं नहीं गया था, मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैं तो सिर्फ देखने के लिए गया था। क्या करने गया था? देखने की बात चली है तो एक आगे बात चलाए। सिंध के अंदर मैंगो सीजन चल रहा, अभी खत्म होने वाला, तो एक पंडित ने मुझे कहानी सुनाई और उसने क्या कहा कि बाग के अंदर एक शख्स जा रहा था जिसे बहुत भूख सता रही थी। क्या कर रही थी? उसे भूख सता रही थी। वो बाग में जा रहा था, खुशबू से दिल ललचा रहा था। उसने इधर देखा, उसने इधर देखा, कोई भी नहीं, और उसने फिर आम को देखा। किसको देखा? आम को देखा। चीज सिखाने लगा, जेन में रख लेना। देखती क्या है जी? आंखें देखती हैं, आंखें जाती नहीं जी। उसने देखा, किसने? आंखों ने देखा, आंखें गई नहीं। गए क्या? कौन से की? देखा किसने? गए क्यों? पांव गए हैं, पांव ने वहां पर, पांव गए तो हां, पांव ने छुआ नहीं मैंगो को। किसने छुआ है? देखा किसने है? गए कहां हैं? छुआ किसने है? हाथ ने रख, हाथ ने छुआ है लेकिन चखा नहीं। चखा किसने? जिस जी। देखा किसने? गए कौन? छुआ किसने? और चखा किसने? जुबान ने चखा है पर रखा नहीं। रखा किसने जी? किसने रखा? देखा किसने? गए कौन? छुआ किसने? चखा किसने? रखा किसने? नींद आ गई, पेट भर गया। मालक आया, उसने देखो इतनी सारी गुठलियां पड़ी, उसने पकड़ा डंडा, उसकी फू पीठ पर बरसाई। रखा इसने, पड़ी किधर जी? आंसू कहां से गिरे? हाँ, देखा किसने? आंसू कहां से आ रहे? हम क्या करते हैं, हम देखने ही देखने में काम पूरा कर लेते। आंखों ही आंखों में पूरा एक्स्ट्रा, आज एक्सरे की बात भी छोड़े, पूरा आप स्क्रीनिंग कर लेते हैं। हमारी आंखें क्या देखती? यूसुफ उसकी तरफ निगाह नहीं करता था, वो भागता था। हम भागते नहीं, हम चस्का लेते हैं, छुपकर भी चस्का लेते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से चस्का लेते हैं। आगे जल्दी बढ़ते हैं। यकूब की बेटी कौन है जी? यकूब की बेटी, एक बेटा है जो खुदा से डरता है, यह बेटी है, यह दुनिया देखने के लिए बेकरार, मरीजों है, ट्रिप जा रहा है, पार्क में जाना है, सोजो वाटर में उधर जा रहा है, फलां जगह पे जाना है उधर जा रहा है। ये क्या है? ये बाप की लाडली है, भाई प्यार करते हैं, ये भाइयों के लिए बहुत काबिले इज्जत है, भाई इसकी कदर करते हैं, इसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, जो बोलती है ला के देते, बाप इससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये दुनिया देखने के लिए बेकरार। दुनिया देखनी है, घर में बोर हो गए, कहीं लेके ही नहीं जाते, कुछ करते ही नहीं, ट्रिप वे में नहीं जाने देते, ये खानदानी रवायात से भी बेकरार, बेजार है, नहीं, ये क्या फजूल लोगों को बुला लेते हो, रोज ही दुआ करना शुरू कर देते हो, सुबह सुबह उठ के रोज ही इधर करना शुरू कर देते हो। ये दुनिया देखने के लिए जो बेकरार होता है वो खानदानी दस्तूर से बेजार हो जाता, जैसे मुसरफ बेटा, वो दुनिया देखने के लिए क्या था? बेकरार, और खानदानी रवायात से वो बेजार। इसने देखा कि आज बाप भी घर में नहीं है,
माँ भी नहीं है, भाई भी नहीं है, नौकरों की खैर है, दबा मारूंगी। कहाँ गई? सात वाले कबीले की बेटियों को, लड़कियों को देखने। क्या करने गई है सात वाली? हम क्या देखने जाते हैं? वहां पर एक नौजवान सिकम इसको छुप के देख रहा है, ये हमारे कबीले के नहीं है, बड़ी खूबसूरत मासूम, वैसे मीठी मीठी बातें करता है। लड़कियों, बेटियों, बहनों, कोई भी तारीफ करके आपको तन्हाई में ना लेकर जाए। क्या इसकी तारीफ की जा रही है? क्या आप तो कबीले की लगती नहीं हो, आप तो ईश्वर आई लग रही हो। आपकी तारीफ करके, क्योंकि औरतों को तारीफ पसंद है, अगर पटाना हो बेटियों मां को तो उसकी तारीफ करो, मामा आज कपड़े बड़े, आप समा बाप को पटाना, पापा आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे, हीरो लग रहे, समझ आ जानी चाहिए कि बेटा क्यों पटा रहा। और इसने क्या किया? इसको किसने पटाया? नौजवान ने। दीना को कमीना पड़ गया। कौन पड़ गया? जो पीछे ही नहीं छोड़ रहा। इस दीना ने जान छुड़ाई, लेकिन उसने तारीफे करके कमीने ने काबू कर लिया। बाप की इज्जत, भाइयों का फखर उस तारीफ में लुट कर आ गई। पहले भाई का सीना छोड़ा होता था, हमारी बहन है तो फौरन क्या कहने लगे, ये जनाकार है। एकदम एटीट्यूड चेंज हो गया। आज हमारी बेशुमार बेटियां इसी का शिकार होती हैं, और मां बाप यकूब और उसके बेटों जैसा रवैया अख्तियार करते हैं। हमने बेकरार नहीं होना दुनिया देखने के लिए। दुनिया देखनी है तो बाप के साथ देखें। किसके साथ? बाप से अच्छा कोई मुहाफिज नहीं। और अगर आपने खानदानी रवायत देखनी है तो बाप के साथ देखें, आपको पता चले कि रवायत में क्या कुछ है और दुनिया में क्या कुछ है। जुनूनी शख्स पाना चाहता है, क्या करना चाहता है? सिकम को चस्का लग गया, वो कहता है छोड़ना नहीं पापा, बाबा मुझे यही चाहिए। वो क्या कहता है? मुझे, और फतीफार की बीवी भी कहती है मुझे यूसुफ चाहिए, और ये सिकम कहता है मुझे दीना चाहिए। वफादारी तब्दील हो रही है। जुनूनी शख्स पाना चाहता है और जज्बाती शख्स दिखाना चाहता है, थोड़ा सा तड़ाओ, बटरिंग करो, उसको थोड़ा सा जोश दिलाओ, और फिर शरारती शख्स क्या करना चाहता है? आग भी लगाना चाहता है। शरीर सामने से आता है और शरीका अंदर से। शरीर, खुदा यीशु मसीह ने कहा शरीर का मुकाबला नहीं करना है, अबलीस का मुकाबला करना है। हम कहते हैं अबलीस तो हमारे साथ मीठी मीठी बातें करता है। वो सुनो तो अड्डे में तलक गल की जा रही जे, उसको दोस्त चल यार जबरदस्त, दोबारा और कोई आप बताना। हम मुकाबला किसका करते हैं? शरीर का, जो हमारे तशखस को नाम नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमें मुकाबला किसका करना है? शरीर का करना है। शरीर कहता है मैं तेरा कुछ नहीं छोड़ूंगा, भला तू कख नहीं छड़ेगा, मैं तेरा कुछ नहीं छड़ांगा, एक लाएगा दो लावांगा। शरीर का मुकाबला जी, शरीर का मुकाबला, शरीर का मुकाबला, और शरीके के तड़ावे पे आके कर्जा नहीं उठाना। हां जी वरी कटो जरा, मेरी कुड़ी ऐप पड़ी, मेरा मुंडा इंज पड़िया, खुशी गमी पर की ले आयो, की करोगे? थोड़ा रहा, शरीर का अंदर से निकलता, कहां से? और शरीर सामने से आता। शरीर का
रिश्तों में दरार डालता है और शरीर आपके तशख्स को, आपकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाता। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पड़ोसी से मोहब्बत। ये क्या है? 6 ट्रेड्स हैं आपके पास, खोलें जरा, मैं भी जरा पकड़ता हूं कितने हैं। और ये आपके बुक जो है इसके अंदर 6 ट्रेड्स हैं, और ये 6 ट्रेड्स आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इसको पहले खुद पढ़ेंगे। ये 30-35 होंगे, एक एक आपने रखना है, बाकी आपने, मैं अभी बताऊंगा ये कौन से विटामिन किसको देने हैं। हम बाज दफा डिस्प्रिन की जगह पे स्प्रिन खिला देते हैं, स्प्रिन की जगह पे डिस्प्रिन खिला देते हैं, पेनाडोल की जगह पे ब्रूफिन खिला देते हैं, और ब्रूफिन की जगह पे हम कुछ और खिला देते हैं, तो नुकसान होता है। क्या होता है? ये क्या है? पहला ट्रेड्स दोस्ती। दोस्ती हमेशा आसान नहीं होती, दोस्ती हमेशा, दोस्ती में दिल की बात होती। किसकी? दिल की बात। दिलदार से करें, अपने यार से करें, अपने महबूब खुदावन से करें। दोस्ती हमेशा आसान भी नहीं होती। हम हेलो हाय को दोस्ती समझते हैं। दोस्ती का टेस्ट होता है, क्या होता है? यूनतन की और दाऊद की दोस्ती, हाथ पर निशान। एक बनाने वाला कहता है, ए यरूशलेम अगर मैं तुझे बोलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए, और एक यूनतन और दाऊद के हाथ पर निशान। हम एक दूसरे की नस्ल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरा बाप तेरे मुतलक गलत फैसला करे, मैं तुझ तक खबर पहुंचाऊंगा, और जब तू बादशाह बने तो मेरी नस्ल को तू नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्ती, दोस्ती हमेशा आसान नहीं होती। आज मैं और आप किससे दिल की बात करते हैं? जो चंद दिनों की दोस्ती होती है वो दोस्ती नहीं होती, वो कारोबार होता। चंद दिनों की दोस्ती दोस्ती नहीं होती, क्या होता है? कारोबार, व्यापार। आज दोस्ती के नाम पर व्यापार होता। हाँ, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जब आप दोस्त बनाते हैं और दोस्त आपका दिल तोड़ते हैं, बेटियों स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बेटो कोई भी आपका दिल तोड़े तो आप घर आते सर आपको खाना अच्छा नहीं लगता। उधर आपको हो सकता है कृष्ण होते हुए बोले, मुंह तो देखो या कृष्ण बुथा दे। हो सकता है कि आपको जिस्मानी तौर पर टॉर्चर किया गया हो, जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया हो, या अगर आपकी किसी से दिल लगी हो गई है और उसने आपको वरगलाया हो। याद रखें कि 2 मिनट की मस्ती में हस्ती को खराब नहीं करना। कितने मिनट की मस्ती? आने में 3 मिनट लगते हैं और हस्ती बर्बाद करने में भी 2 मिनट लगते हैं। अगर आप अपने इमोशन कंट्रोल कर लेते हो 3 मिनट के अंदर अंदर, तो आप अपनी हस्ती बचा सकते हैं। तन्हाई, दिल टूटा खाना छूटा, दिल टूटा बेटा खाना खा लो, नहीं बेटी चाय बनो, क्या हुआ? दिल स्कूल में टूटा, कॉलेज में टूटा, खाना घर में छूटा, और रूठा किससे? मां बाप से। मां बाप कितने, हाथ खड़ा करें जरा। मां बाप और भाई और बड़ी बहन सुन लो, जब आपकी छोटी बहन, आपका छोटा बेटा या आपकी छोटी बेटी घर आते सार मुंह बनाए, सलाम ना करे, बैग फेंक के बात ना करे, तो उसे डांटना नहीं, उसे, उसका दिल टूटा है, दोस्त ने धोखा दिया है,
दोस्ती करके सारे नोट्स ले लिए, कॉपी गायब कर दी, आपसे पूरा सिस्टम ले लिया, वापस नहीं कर रहा। आपको कहीं वरगलाया है और आपके साथ उसने खेला है और उस खेल में उसने आपका तमाशा बनाया। दोस्ती में दिल टूटता है तो इंसान तन्हाई में जाता, कुछ अच्छा नहीं लगता। तन्हाई मशकूक बनाती है, क्या करती है? जब दिल टूटे तो इंसान को कुछ अच्छा नहीं लगता, तन्हाई मशकूक बना देती है। अगर इस मशकूक हालत में आप उसको छेड़ेंगे या उसको बुरा भला कहेंगे तो वो एक जुनून की सूरत में आ जाए, तो आपने उसको छेड़ना नहीं, सिर्फ आपने उसके साथ बैठना है, उसकी बात को अंडरस्टैंड करना। आज हमारी बेटियां और हमारे बेटे हमें आके कुछ बताते नहीं और अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं, तन्हाई में रहते हैं, और वो तन्हाई में उनको एक वीडियो भेज दे, तेरे साथ आज मैंने ये किया है। तन्हाई क्या कर देगी? मशकूक, बताए बगैर घर से जाएगी, बताए बगैर निकल जाएगा। तन्हाई मशकूक भी बनाती है और तन्हाई महबूब से भी मिलाती है। यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करे तो कहां जाना, कहां जाना, कहां गुनाह करने के लिए कहां जाते हैं? सरेआम करते हम बदबख्त वो कौम है जो पैसा खर्च करके गुनाह करते हैं, पैसा खर्च करके शराब, पैसा खर्च करके हराम करी, हम अपना पैसा खर्च करके गुनाह करते हैं। वो बदबख्त कौन? तन्हाई मशकूक भी बनाती है, तन्हाई महबूब से भी मिलाती है। और यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हें छुपकर गुनाह किया है उस गुनाह पर गलबे के लिए भी तुम्हें उसी जगह पर जाना। पहले तू उसके लिए गई थी, अभी तू मेरे लिए जाएगी। उसके लिए गई थी तो बेटी से कुछ और बन गई थी, अभी तू वहां पर जाएगी, बेटी नहीं है कुछ और है, बाहर निकलेगी तो मेरी बेटी कहलाएगी। क्योंकि मैं तुम्हें उसी तन्हाई में लेकर जाऊंगा, उसी कोठरी में लेकर जाऊंगा और उस जबलत पर, उस गुनाह पर तुझे गलबा देकर बाहर निकाल कर लाऊंगा। आपने इसलिए जरूर है कि आप तन्हाई को रसवाई ना बनाएं। हम लोग तन्हाई को रसवाई बनाते हैं, तन्हाई को रसवाई नहीं बनाना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। शिकस्त दे लिए, जब हम तन्हाई का शिकार होते हैं, टूटे होते हैं, जिनकी दिल लगी होती है वो गिफ्ट याद कर करके, गिफ्ट देख देख के रोते रहते हैं, यादों के सहारे रहते हैं। किसके सहारे? और कुछ बातों के सहारे रहते हैं। शिकस्ता दिली, हम जब शिकस्ता होते हैं तो शिकस्ता दिली में हम बरगश्ता होने की बात करते हैं। जो शिकस्ता दिल होता है वो अपना मुआजना भी दूसरे के साथ करता है, अपना मुकाबला भी दूसरे के साथ करता है। शिकस्ता दिली में खुदा आपको बरगश्तगी से बचाता है और शिकस्ता दिली में शरीर और शरीका आपको मुकाबले और मुआजने पर भी ले जाता है। जो शिकस्ता दिल हो, अगर आपका दिल टूटा हुआ है या आपका यार रूठा हुआ है या आपकी नींद उड़ी हुई है या आपका चैन गया है या आपको यारों ने सताया है या आपको गिफ्ट दी हुई चीजों ने रुलाया है तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या? कुछ करना पड़ेगा। हम शिकस्ता दिली में, शिकस्ता दिली खुदा को पसंद है, टूटा हुआ सिस्टम खुदा को पसंद है क्योंकि उसको जोड़ना आसान होता। शिकस्ता रूह खुदा को पसंद है, टूटा हुआ बहुतों को जोड़ देता है, जो नहीं टूटता वो टूटकर बिखर जाता है। यीशु का बदन बार बार तोड़ा गया और इतना तोड़ा गया कि उसने दुनिया के टूटे हुओं को एक साथ जोड़ दिया। टूटा हुआ जोड़ने की फिक्र में रहता,
और जो नहीं टूटा वो तोड़ने की फिक्र में रहता। हम अक्सर पसली को तोड़ने की बात करते हैं। किसको? शादी हो लें दे फिर करांगा, कर ला जो करना, कर ला ना करे, जरा शादी हो जाए। हम क्या करते हैं? पसली को सीधा करने की कोशिश करते। किसको? पसली किधर है? दिल के ऊपर। कहां है? टेढ़ी है। क्या है? क्या है? खुदा ने उसको टेढ़ी रखा है, तो आप कैसे सीधा बना सकते हैं? पसली को किसने टेढ़ा बनाया है? क्यों बनाया है? ताकि नाजुक चीजें महफूज रहे। क्या रहे? वो बातें जो आप किसी से नहीं कर सकते, अपने बेडरूम में अपनी बीवी से करते हैं, खानदानी बातें भी करते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल की बातें भी करते हैं, और अपने खुदा की खिदमत की बात भी करते हैं जो दुनिया के सामने। ये सब कुछ आप किससे कर रहे हैं? उस टेढ़ी पसली से जिसको सीधा बनाने के लिए आप बड़े बेताब। जिसको जिसको खुदा ने टेढ़ा बनाया है उसको सीधा नहीं बनाना। उसको वो आपके टेढ़ी इसलिए है ताकि चीजें जो सेंसिटिव चीजें हैं उसको महफूज किया जा सके। हम खुदा के लोग कि क्या है? और मुझे जब 27 साल पहले इश्क हुआ तो मैंने अपने खुदा के साथ एक तल्लक नाता जोड़ा। तो मेरी बीवी आज 22 साल हो गए शादी को, तो मैंने कभी उसे लव यू नहीं बोला। वो अक्सर नाराज रहती है। मेरे बच्चे भी कहते हैं पापा आई लव यू बोल दो। मैंने कहा नहीं, जिस दिन बोलूंगा नकार टूट जाना। मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। मुझे एक से इश्क हुआ, उसको दिल में बसा, वो करो उसको रखने की और जगह ही नहीं थी। वो कहता ना मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं, ना तेरे बेडरूम में रहना चाहता हूँ, ना तेरे ड्राइंग रूम में रहना चाहता हूँ, मैं इस पसली के नीचे रहना चाहता हूँ। मेरा घर ये है और पसली का घर वो है। तेरी पसली जो तेरे साथ फिट की है, तुम दोनों मिलकर मेरे घर को महफूज बनाओ। दिल लगी एक के साथ ही, किसके साथ है? और जब दिल में वो बसा है तो मैं लाइक यू तो कह सकता हूं, क्योंकि वो मेरे महबूब का दिया हुआ तोहफा है जो मेरे दिल के करीब है, दिल में नहीं। पसली जब दिल में घुसती है तो दिल फट जाता है, दिल के करीब रहे तो काबिले कदर हो जाती है। यीशु दिल में रहे, पसली दिल के ऊपर रहे, कदर बढ़े, माशरे में उसकी इज्जत करें, माशरे में उसका नाम दें, माशरे में उसको मकाम दें, ताकि अंदर वाला भी खुश हो जाए मेरे गिफ्ट की सही हिफाजत कर रहा है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। शिकस्त दिली, आगे क्या है? मुआफ करना बड़ा मुश्किल है। मुआफी दलेर लोगों का काम। किनका? आज मुआशरा कहता है जो बुजदिल है वो मुआफी मांगे, लेकिन खुदा कहता है जो दलेर है वो मुआफी मांगे। और ये सवाल पत्रस का भी था, खुदावन मेरा भाई कितनी दफा गुनाह करे कि मैं उसे माफ करूं? खुदावन यीशु मसीह ने कहा 7 से 70 दफा। 7 दफा काइन के लिए कहा गया, फिर लम्मा के लिए कहा गया 7 से 70 दफा, फिर यीशु ने कहा 7 से 70 दफा 449 दफा। एक दिन में कितनी दफा? यानी कि 3 मिनट से पहले आपने माफ करना। 3 मिनट से पहले मस्ती आती है, 3 मिनट से पहले आपको माफ करना है। गुस्सा भी आता है क्योंकि वो पुरानी फिरकी चढ़ जाती है, पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाता है। माफ करना किसका काम है? मोहब्बत का अगला स्टेप माफी है। अगर खुदा मोहब्बत करता है और माफ नहीं करता तो उसकी मोहब्बत मोहब्बत नहीं। अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और माफ नहीं करते तो फिर हम भी खुदा से मोहब्बत नहीं करते। मुआफी, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यह क्या लिखा है जी? औरत क्या करती है? बेटियों बहनों माओ नाराज नहीं होना, औरत क्या करती है? लेकिन हा?
बंदा भूल जाता है, फिर पहले ऐसा, पहले भी आपने ऐसे किया, फिर भी ऐसे किया, फिर भी ऐसे किया, वो भूलने देती नहीं, माफ जल्दी कर देती है। क्या करती है? और भूलने, मर्द क्या करता है? जल्दी माफ, जल्दी माफ, जल्दी। अगर आपने बार बार याद दिलाना है, को नहीं मार फिट करके बैठी होती फंक्शन में, इधर आके बहू क्या करना है? हमने माफ करना है, क्या करना है? औरत के अंदर खुदा ने जिस बात रखे हैं वो जल्दी देर अपने अंदर गुस्सा नहीं रख सकती, वो फौरन बच्चों पर भी गुस्सा निकालेगी, शोहर पर भी निकालेगी और जल्दी माफ कर देगी, लेकिन निगाह पूरी पूरी रखेगी। निगाह पूरी पूरी रखेगी। माफ करना हमने सीखना है, और माफी में मोहब्बत से अगला स्टेप माफी क्या है? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर जब आप माफ करते हैं जिन्होंने आपका स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कलीसिया में, चर्च में, दूसरी जगहों पर दिल दुखाया होता है, और जब आप माफ करते हैं तो फिर आप दुआ करते हैं, दुआ हर दर्द की दुआ और दिल की सदा है, तो फिर कहते ये तो हंसना शुरू हो गई है, क्या ये तो कमरे से भी बाहर आ गई, ये तो मिलना भी शुरू हो गई है, ये तो दुआ करना भी शुरू हो गई है, ये तो अच्छी अच्छी बातें करना भी शुरू हो गई है, ये तो पुरानी यादों से भी निकल आई है, ये पुरानी बातों से भी निकल आई है, ये अभी फ्यूचर की बातें करती है, ये खुदा उनके साथ चलने की बातें करती है। और फिर उस दुआ में क्या होता है? ए खुदा मुझे किन चीजों में? दोस्ती में मुझे तेरी जरूरत है, तनहाई में मुझे तेरी जरूरत है, शिकस्ता दिली में मुझे तेरी जरूरत है, और मुआफी में भी मुझे किसकी जी? खुदा की। आपने कहां कहां दिल लगाया है? दोबारा सोचिए, ये सारे ट्रेड्स हैं। दोस्ती में आप ट्रेड्स दें, तनहाई में आप दूसरा दे दें, शिकस्ता दिली में आप तीसरा दे दें, माफी में आप चौथा दे दें, और जब कोई ढूंढा हुआ मान जाए उसको ये पांचवा दे दें, और जब कोई दोबारा से जिंदगी का आगाज करना चाहे तो उसको छठा ट्रेड्स दे दें। टूटे हुए तलाकात, खुदा के साथ अपने तलाकात के बारे में दोबारा सोचिए, अपनी जिंदगी में खुदा के मकसद के बारे में दोबारा सोचिए, दूसरों के साथ अपने रवैये के बारे में दोबारा सोचिए। मोहब्बत में बेवफाई किसमें? और इश्क में शिरक बर्दाश्त नहीं होता। मोहब्बत में और इश्क में, क्योंकि इश्क अर्श वाले के साथ किया जाता है और मोहब्बत करना फर्श वाले के साथ वो सिखा देता। अपनी मानत किससे? दूसरे से, दूसरे से। अपनी मानत मोहब्बत किससे करनी है? पड़ोसी से। और इश्क किससे करना है? किससे? इश्क। मोहब्बत में वो सहता है। क्या मोहब्बत खुदा ने शुरू की और उसे सहना पड़ा गया? हम मोहब्बत में दिल तोड़ते हैं, दिल दुखाते हैं, वो सहता रहता है। मुसरफ बेटे ने दिल दुखाया, उसने सहा। मुसरफ बेटे ने जीते जी मार दिया, मेरा हिस्सा दे दे, अगर वो शरीयत के मुताबिक चलता तो उसे फाटक पर ले जाता, फाटक पर बैठे हुए लोगों से बात करता और वो उसको संसार कर देते। मोहब्बत में उसने नाफरमानी की, बर्दाश्त की। हमने कितनी दफा अपने बाप का दिल तोड़ा, अपने आसमानी बाप का दिल तोड़ा। याद रखो बेटियों, आप जब पैदा होते हो, अभी पेट में होते हो, तो बाप आपके फ्यूचर के लिए प्लान करना शुरू कर देता है।
माँ आपके खाने पीने के इंतजाम में लगी रहती है, रोटी देखती है पता नहीं रोटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी, कपड़े देखते हैं तो कपड़े पता नहीं सही पहन के गई है पहन के गया कि नहीं गया, जूते देखी, वो चीज़ों को देखकर आपको याद करेगी। बाप जल्दी जज्बात का इजहार नहीं करता, लेकिन वो अपनी जुआनी आपको पालने में लगा देता है और आप उसकी जुआनी की सारी उन सारी मशक्कतों को दो मिनटों में बर्बाद करके रख देते। एक काम और उसके बाद दुआ बरूक जल्दी से ऊपर आ जाए। बेटियों जाते सार बाप को जफ़ी डालने, क्या करनी है क्या डालनी है? मैं को गलत काम कह रहा हूं, किसी और को नहीं, किसको किसको लिपट जाना है, क्या करना है किसको? बेटो आपने किसको लिपटना है? माँ को। किसको? दोस्ती लड़की की लड़की के साथ होती है, लड़के की लड़के के साथ होती है, मुखालफ जिन्स में दोस्ती नहीं होती, जिनसी जबलत होती है। वो आपका क्लास फेलो तो हो सकता है, आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपने जाते सर किसको जफा मारना? किसको किसको? बाप की जफी आपकी सोच बदल देगी। क्या करेगी बाप की जफी? क्या करेगी? सोच को बदलेगी। जब आपको बुरे ख्याल सताएं, जब आपका दिल टूटे, जब आप तन्हाई का शिकार हो जाएं, जब आप शिकस्ता दिली का शिकार हो जाएं, जब आप माफ करने ना करने की हालत में आए, तो आपने जाते सार किसको जफी मारनी? बाप की जफी आपका माइंड चेंज कर देगी और बाप की पपी वो माथे पे चूमता है, मेरे जैसा गाल पे चूमता है अपनी बेटियों को, किसी और को नहीं, गलत नहीं समझना। मैं अपनी बेटियों को हमेशा इधर, और इससे पहले कि मेरी बेटी स्कूल कॉलेज जाए तो तैयार होकर सबसे पहले मुझे दिखाती, चेहरा कैसी लग रही, अच्छी, ये लिपस्टिक सही नहीं है, ये जूते भी सही नहीं, ये लगा के आओ फिर मुझे चेक करवाओ, और जब तक मुझे अच्छी ना लगे मैं उसको चेंज करवाता रहता हूँ। इससे पहले कि कोई बार वाला तारीफ करके उसको कोने में ले जाए, बाप तारीफ करके उसको कोने से क्यों ना बचा के सेंटर में रखे। अपनी बेटियों को और अपने बेटों को दोस्त बनाएं। बेटियों जब फिर लगानी है क्या करनी है? और बाप ने क्या करना? हट पीछे हट, तुम जाते हो वाले अक्सर पिछाओ, अगर बोले भी तो फिर भी नहीं छोड़ना। क्या बोले भी तो? जब तक वो आपको किस नहीं करता, आपकी बाप के साथ जफ़ी आपका माइंड चेंज करेगी और बाप की जफ़ी उसका दिल चेंज कर देगी। अगर आपने बाप के दिल को चेंज करना है तो बाप से लिपट जाए, जफ़ी करें, वो जो ही आपको पुमा करेगा तो अपना दिल बदल लेगा, फिर आपके लिए सारा कुछ कर गुजरेगा। हम जिद से करते, मैं नहीं, वो कहता नहीं तो फिर मैं भी नहीं। बेटो मां को जफी डालनी। किसको? क्योंकि बेटियां बाप को जल्दी पटा लेती हैं और बेटे मां को। बेटियां मां बेटियों को डांटती रहती है और बाप बेटों को डांटता रहता है, इसलिए वो मुखालफ सिमत में चले जाते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, कौन सा काम मैंने बताया? हेलो, क्या करना है? किसको? पापा को। तब तक जफ़ी डालनी है जब तक वो क्या नहीं करता। मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, खुदा ने आपको शहजादियां बनाया है, खुदा ने आपको शहजादे बनाया है, फरजंद बनाया है, मलंग नहीं बनाया। मलंग मस्ती में अपनी मर्ज़ी, मलंग किसी को नहीं सुनता, घर में भी मलंग रोटी चाय बनाओ, मलंग नहीं बनाया। क्या बनाया? फरजंद तरबियत पजीर होता है। क्या होता है? तो आप शहजादिया, खुदा
आपके साथ हो, आप अपनी जवानी जो खुदा के लिए है, खूबसूरती खुदा के लिए है, मुस्तकबिल खुदा के जलाल के लिए खूबसूरत है आपका। कोई भी आपको बटरिंग करके पटाने ना पाए, कोई भी आपको वर्गला के तनहाई में ले जाने ना पाए, और माँ बाप बच्चों को देखकर फौरन रिएक्शन ना करें बल्कि अंडरस्टैंड करें, क्या करें, और बेटियाँ भी बेटे भी माँ बाप को अंडरस्टैंड करें। मुवाजना नहीं करना, मुकाबला नहीं करना, खुदावन को सामने रखना। अभी आप दूसरे साथ वाले को बोले कि मैं मलंगनी नहीं, मैं शहजादी हूं, और लड़के बोले मैं मलंगनी, मैं शहजादा हूं, फरजंद हूं। आइए हम अपने कदमों पर खड़े हो जा। हमने अभी खुदा से दिल की बात करनी, किसे, यसु से दिल की बात करनी है, दिल की बात करनी है, और उसे कहें यसु आज मैंने तेरे साथ एक बात करनी, जो मैंने यार से छुपाई, माँ से छुपाई, बाप से छुपाई, भाई से छुपाई, कजन से छुपाई, मुआशरे से छुपाई, और आज तेरे साथ मैंने वो बात, दिल की बात दिलदार से करें, अपने प्यार से करें, अपने महबूब खुदावन से करें, किसी और से। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान, अपना ख्याल, अपनी सोच उसकी तरफ।